मनोज दी जैसा प्रोफेशनल बैनर कैसे बनाएं, यूट्यूब बैनर कैसे बनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा प्रोफेशनल बैनर चैनल आर्ट बिल्कुल इजी विदाउट एनी एडिटिंग के बनाना सिखाऊंगा। ये बैनर बनाना इतना सिंपल है दोस्तों कि इसे आप अपने मोबाइल फोन की मदद से कुछ ही सेकंडों में बना सकते हो। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन पिक्सल लैब की जरूरत पड़ेगी। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसी 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इमेज साइज पर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर ही आपको इमेज साइज चेंज करने के लिए बोलेगा। आपको सिंपली यूट्यूब चैनल बैनर सिलेक्ट कर लेना है, देन ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से एंटर पर न्यू टेक्स्ट का बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। देन इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्लस वाला साइन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसी प्लस वाले साइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैं यहाँ से इस वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस टेम्पलेट को मैंने पहले से कंप्लीट करके बनाकर रखा है दोस्तों, जिससे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ना ही आपका समय इसे बनाने में फालतू जाए। अब दोस्तों बात आती है इसे आप डाउनलोड कैसे करोगे, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और साथ ही यहाँ पर मैं जितनी भी टेम्पलेट और इमेजेस और फॉन्ट्स को यूज करूंगा सबका सब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उस पर एक लॉक लगा हुआ है, तो वो लॉक का पासवर्ड क्या है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंगा। अब दोस्तों इस इमेज को ऐड करने के बाद आपको इस इमेज पर बिना टच करे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देन आपको यहाँ पर एक रिलेटिव साइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ से विड्थ को 100 कर देना है और यहाँ से आपको हाइट को भी 100 कर देना है और ऊपर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों इसके बाद आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले टेम्पलेट को लॉक कर देना है। देन वापस से इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फिर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों इस टेम्पलेट को एड करने के बाद आपको इस टेम्पलेट पर बिना टच करे फिर से रिलेटिव साइज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको विड्थ और हाइट को 100 कर देना है और ऊपर ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस इमेज को एड करने के बाद आपको यहाँ पर दो एरोस दिखेंगे। ये दो एरोस हमें आइडेंटिफाई करती है कि आपका बैनर का एरिया कितना मोबाइल पर दिखने वाला है और कितना आपके पीसी या लैपटॉप में दिखने वाला है। तो जो इन दो एरोस के अंदर का एरिया है वो आपके मोबाइल पर दिखाई देता है और जो बाकी का बचा हुआ इतना एरिया है वो आपके पीसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर दिखाई देता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऐसा बैनर क्रिएट करेंगे जो आपके मोबाइल पर तो बिल्कुल प्रोफेशनल दिखेगा ही, साथ ही आपके पीसी या लैपटॉप में भी बिल्कुल अच्छा और प्रोफेशनल दिखेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कलर को इनेबल कर देना है। देन आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको कोई एक कलर को चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर स्काई ब्लू कलर चूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई भी कलर चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्काई ब्लू कलर को चूज कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ और नीचे ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपनी एक फोटो को एड करेंगे या फिर आप चाहे तो यहाँ पर अपने लोगो को भी एड कर सकते हो। एड करने के लिए आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपनी एक प्रोफाइल पिक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और यहाँ से आपको इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सेट कर देना है। दोस्तों मैंने अपनी फोटो को यहाँ पर अच्छे से ऐड किया है, जैसे आपको भी करना है। देन इसके बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको शैडो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शैडो को इनेबल कर देना है और ऊपर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इन सभी टेम्पलेट्स को लॉक कर देना है। अब दोस्तों लॉक करने से क्या होगा, हमने यहाँ पर जितनी भी टेम्पलेट को अभी तक ऐड किया है वो सब यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और हम अपना काम बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने दोस्तों एक न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। आपको इस न्यू टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम डाल देना है। चैनल का नाम ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आपको इसकी साइज को थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेना है। देन इसके बाद दोस्तों आपको इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉन्ट का। इसी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको माई फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों मैं यहाँ पर इस वाले फॉन्ट को यूज कर रहा हूँ। ये फॉन्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं इस वाले फॉन्ट को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और यहाँ से ओके के बटन पर क्लिक कर दूंगा। देन दोस्तों आपको इस वाली डॉट पर होल्ड करके आपके चैनल के नाम को बड़ा कर लेना है और दोस्तों बड़ा करके आपको यहाँ पर ऊपर रख देना है। देन इसके बाद दोस्तों आपको इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
और यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अपने चैनल को दो कलर में डिवाइड कर लेना है। जैसे मैं टेक को अलग कलर से रखूंगा और योगेश को अलग कलर से रखूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर योगेश को इतना सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा और मैं यहाँ से स्काई ब्लू कलर को चूज कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर तीन डॉट देखने को मिलेंगे। आपको इन तीनों डॉट्स को बिल्कुल एंड में रखना है और यहाँ से ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ड्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको येलो कलर को चूज कर लेना है। येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पेन का साइज यहाँ पर 2 रखना है दोस्तों। और नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा स्मूथनेस का, इसको आपको 15-16 पर रखना है और फिर इनसाइड को इनेबल कर देना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो मेरा चैनल का नाम है उसमें से मैं टैग पर कुछ ड्रॉ करूंगा। अब दोस्तों आपको अपने चैनल के नाम पर ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप दोस्तों ड्रॉ कर सकते हो और ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद दोस्तों आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है और दोस्तों अब आपको आपके चैनल के नाम को और इस ड्रॉइंग को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ से और दोस्तों यहाँ से आपको इन दोनों बॉक्सेस को टिक कर देना है और इन दोनों को मर्ज करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो हमारे चैनल का नाम है और जो हमने यहाँ पर इसके ऊपर ड्रॉइंग किया था वो दोनों यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। अब दोस्तों फिर से आपको अपने चैनल के साइज को छोटा कर लेना है और साइज छोटा करके आपको इसको यहाँ पर लाकर रख देना है। देन दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके शेडो को इनेबल कर लेना है और यहाँ से आपको ब्लर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देना है और ऊपर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद दोस्तों आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने फिर से एक नया टेक्स्ट आ जाएगा। आपको इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने चैनल की कैटेगरी को डाल देना है। जैसे मेरा चैनल टेक कैटेगरी का है तो मैंने अपने चैनल को उसी के हिसाब से यहाँ पर डाल दिया है। आपको भी अपने चैनल की यहाँ पर कैटेगरी को डालना है। जैसे कि आपका चैनल ट्रेवल एंड ब्लॉग का है तो आप यहाँ पर ट्रेवल एंड ब्लॉग डाल सकते हो। सिंपली आपका चैनल जिस भी कैटेगरी का हो आपको यहाँ पर वो कैटेगरी डाल देनी है। और दोस्तों इसके साइज को थोड़ा छोटा करके यहाँ पर आपको चैनल के नाम के नीचे लाकर रख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक बोल्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ऊपर राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पर शेडो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से शेडो के ऑप्शन को इनेबल कर लेना है और फिर से मैं इस वाले बटन पर क्लिक करके इन सभी टेम्पलेट्स को फटाफट से लॉक कर लेता हूँ। देन दोस्तों अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले टेम्पलेट को यहाँ पर कॉर्नर पर लाकर कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देना है। इसको लगाने के बाद दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसी कॉपी पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, ये टेम्पलेट आपकी कॉपी हो जाएगी। देन दोस्तों आपको यहाँ पर एक क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसी क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल कर देना है और राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस टेम्पलेट को आपको यहाँ पर कॉर्नर पर लाकर लगा देना है। देन आपको यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कलर को इनेबल कर लेना है और दोस्तों यहाँ से आपको स्काई ब्लू कलर को चूज कर लेना है और डन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद दोस्तों मैं इस वाले बटन पर क्लिक करके फटाफट से इन टेम्पलेट्स को वापस से लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद दोस्तों अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके इंस्टाग्राम के लोगो को सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों आपको यहाँ पर इसके साइज को छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसको लाकर लगा देना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको लगा देना है। देन इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ से इसकी शेडो को इनेबल कर लेना है। देन इसके बाद दोस्तों आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको इस टेक्स्ट में अपनी इंस्टाग्राम की आईडी को डाल देना है। इंस्टाग्राम की आईडी को डालने के बाद आपको इसके साइज को छोटा कर लेना है और छोटा करके दोस्तों आपको इसको इंस्टाग्राम के लोगों के आगे लगा देना है। कुछ इस तरीके से आपको इसको लगा देना है बिल्कुल आसानी से। देन इसके बाद दोस्तों आपको इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे भी बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे ब्लैक कलर को चूज कर लेना है। अब दोस्तों फाइनली हमारा बैनर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों आपको एक बार फिर से लास्ट बार इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सभी टेम्पलेट्स को लॉक कर देना है। देन आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको वो टेम्पलेट देखने को मिलेगी जिसे हमें डिलीट करना था, इसलिए आपको यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस टेम्पलेट को डिलीट कर देना है। अब दोस्तों फाइनली हम अपने यूट्यूब बैनर को सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ से आपको फॉर्मेट को PNG पर सिलेक्ट करना है।
और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके इसकी क्वालिटी को हाई कर लेना है और ऊपर सेव टू गैलरी पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। अब दोस्तों मैंने ये बैनर अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बैनर हमारा कितना प्रोफेशनल लग रहा है। एंड आई होप दोस्तों आपने भी इस वीडियो को देखकर ऐसा प्रोफेशनल बैनर क्रिएट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो थैंक यू।